इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने बलात्कार के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 16 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा 10वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला शहर के तुकोगंज थाने में दर्ज किया गया था। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि आरोपी मैनेजर ने पहले उससे बहाने से दोस्ती की, फिर उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसका शोषण किया। आरोपी परविंदर सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पंजाब के पठानकोट में पीएनबी का मुख्य प्रबंधक परविंदर सिंह पहले इंदौर में पदस्थ था। छात्रा ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में गई थी, जहां उसकी मुलाकात बैंक मैनेजर से हुई। बैंक मैनेजर ने उसे शॉपिंग करने के बहाने कई बार घुमाया। अगस्त 2020 में मैनेजर उसे संतूर होटल में ले गया, जहाँ उसके साथ उसने दुष्कर्म करके वीडियो बनाया। ये परविंदर जामवाल है, आरोपी 53 साल के हैं, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं। इनको गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, और ये एक जो बालिका है मनावर की रहने वाली, इनके घर पर जो काम करने वाली महिला थी उसके माध्यम से ये संपर्क में आए थे उसके, और उसकी बच्ची के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी इससे। और उसके बाद ये दोस्ती के बहाने, पैसे का लोन देने के बहाने इन्होंने उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ संतूर होटल में अवैध रूप से अवैधानिक कृत्य किया, और उसमें इनको कल हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया है। ये इस बालिका से मिलने के लिए वापस आए थे, और उसमें हमारी टीम को हमने लगाया प्लेन क्लॉथ में, उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर से इनको पकड़ा है, और ये बालिका के माध्यम से इनकी बातचीत चल रही थी लगातार उससे मिलने के लिए, और उस पर से हमने इनको गिरफ्तार किया। बच्ची को ये शायद गोवा वगैरह भी घुमा के, बीच में ये गोवा भी ले गए थे, यहाँ होटल्स में एक बार इनकी जब मुलाकात हुई थी उसके संतूर होटल में, उसके बाद ये उसको गोवा भी लेके गए थे। 3 दिन वहाँ गोवा में भी इन्होंने रखा था, उसके बाद आके बच्ची ने यहाँ पर रिपोर्ट की थी, उस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया। कितने साल से फरार था ये? अभी बीस दिसंबर 2012 की घटना है ये, और अभी हमने इनको पकड़ा है। तो इसका नाम क्या है? परविंदर जामवाल, उनकी उम्र 53 वर्ष है, मोहाली के रहने वाले हैं ये, और मोहाली में पंजाब नेशनल बैंक में ही ये मैनेजर के रूप में कार्यरत है। इनकी पहचान कैसे हुई थी? इनकी पहचान इनके यहाँ पर एक काम करने वाली जो महिला थी, इनके घर पे खाना बनाती थी, उसकी बेटी से इनकी पहचान हुई, और उस बेटी के माध्यम से इनकी इस पीड़िता से दोस्ती हुई, और उसके माध्यम से ही इनकी आपस में एक दूसरे की पहचान। ये यहाँ पहले मैनेजर रहे हैं। अच्छा, था तब की घटना है? नहीं नहीं, घटना तो अभी की है ये, पहचान जब से हो गई थी तब से इनकी बातचीत थी, उसके माध्यम से ये मिले थे। अभी इनकी पदस्थापना मोहाली में। हाँ, फिलहाल पुलिस ने बैंक मैनेजर को इंदौर के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। वही इंदौर से पंजाब के लिए जा रहा था। मामले में बैंक मैनेजर की एक और साथी पहले ही जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।